मिले, जिसकी वजह से हमारी ज़मीनें, नौकरियां सब जो हैं वो बच जाएं और सेफ हो जाएं। इसके लिए किसी किस्म का भी कोई कानून, अगर अपनी पार्टी को मौका मिलता है किसी किस्म का भी कोई कानून जो है स्टेट में बनाने की ज़रूरत पड़ेगी, तो अपनी पार्टी उसके लिए आगे रहेगी और कंधा से कंधा मिला के लोगों के साथ चलने के लिए तैयार है। जनाब सईद अल्ताफ़ बुखारी साहब ने जब इसका गठन किया 8 मार्च 2020 को, उस वक्त आर्टिकल 370 और 35 ए की वजह से सारे जो हैं यहाँ पे दरवाज़े बंद हो चुके थे। अल्ताफ़ बुखारी साहब ने और उनकी टीम ने, जो ओरिजिनल टीम थी जो दिल्ली में जाके उन्होंने अपना मुतालबा रखा यहाँ के लोगों के बिहाफ पे, और वहाँ पे एक बात पहुँचाई कि ये जो ज़मीनें हैं और नौकरियाँ हैं ये हमारे यूथ को मिलनी चाहिए। और बुखारी साहब की इंटरवेंशन से नई दिल्ली ने ये नौकरियां और ज़मीन जो है वो बहाल रखी, और उसकी वजह से इस वक्त यहाँ डोमिसाइल जो है वही अब ज़मीन और जो है बाकी नौकरियां जो लेने के हकदार हैं। जैसे कि इस वक्त आज की डेट में जो भी रिक्रूटमेंट होती है वो इसी बेस पर हो रही है। एक बहुत बड़ा तनाव जो है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ में पैदा किया जाता था जो नौकरी में आते थे। सईद बुखारी साहब ने उसको भी हल करवाया और हर लेवल पे जाके उसकी बात की, और एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज़ की हो अदरवाइज़ हो, लोगों के जो है वसाले उसमें खोल दिए और उसको भी ख़त्म करवाया। हमने जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी का जो हमारा हेड ऑफिस है वो गांधीनगर में है, लेकिन हमने एक सब ऑफिस जिसको हम इलेक्शन ऑफिस भी कहेंगे वो हमने यहाँ नॉर्थ में खोला हुआ है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हम इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि हम यहाँ के जो बाशिंदे हैं, यहाँ के जो लोग हैं, हमारी बहनें हैं, भाई हैं, उन सब को यहाँ हम आमंत्रित करते हैं। किसी को किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम हो, हमारा ये दफ्तर उनके लिए 24 घंटे जो है खुला है, वो अपने ग्रीवेंसेस जो है यहाँ रख सकते हैं। आज जम्मू कश्मीर में बहुत सारे मुद्दे हैं जिनके लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है इसका एक दूसरा पार्ट जो है वो उनके लिए भी है, जैसे रेगुलराइजेशन है, जो डेली वेजर्स हैं उनको रोडों पे खजल होना पड़ रहा है, सीजनल वर्कर्स हैं, कैजुअल लेबरर्स हैं, बिलाशक कानून इन सिलसिलों में बना हुआ है कि उनको रेगुलराइजेशन करनी है। किसी की वेजेस आप रोक नहीं सकते, मिनिमम वेजेस का लॉ बना हुआ है, लेकिन इसके बावजूद भी हमारा जो यूथ है, हमारे जो लोग लगे हुए हैं 15-20 साल से नौकरियाँ कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो इस अकाउंट पर सफ़र कर रहे हैं, ना उनकी रेगुलराइजेशन हो रही है, ना उनको जो है वो अपना डेली वेजेस जो है उनका सैलरी जो है उनको डिस्बर्स की जा रही है। तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है, इसलिए इन्होंने ये लिस्टें कैंसिल कर दी और दोबारा जो है अपने लोगों को एडजस्ट करने के लिए एक मौका और ले लिया ये। और जम्मू कश्मीर पार्टी जो है ये हिसाब ले के रहेगी, और इसके लिए अगर हमें रोडों पर भी जाना पड़े हम रोडों पर भी जाएंगे, और यूथ के लिए हम हर लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। ये भी मिली हुई है, ये तो अभी कुछ भी नहीं है, और इसके बाद भी जो पैसा इकट्ठा हुआ है उसका कोई अनअकाउंटेड मनी है। वो राजपूत सभा इस वक्त रोडों के ऊपर है, और मैं ये कहना चाहता हूँ और क्लियर करना चाहता हूँ कि जो महाराजा थे वो किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन के महाराजा नहीं थे, वो हर कौम के राजा थे, चाहे उसमें कोई भी मेरे भाई बंधु, चाहे हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई या उसके अलावा और भी किसी कौम के, क्योंकि महाराजा जी वो थे जिन्होंने इंसाफ के लिए इंडिपेंडेंस से पहले, 1947 से पहले, आज़ाद होने से पहले हाईकोर्ट कायम किया था, और जो उस वक्त के हाईकोर्ट के फैसले थे उन्होंने वो हाईकोर्ट के फैसले अपने पर भी लागू करवाए, और वहाँ उन्होंने उसको माना है कि महाराजा जी की छुट्टी जो है वो कितनी ज़रूरी है। तीसरा, जो ये एयरपोर्ट जम्मू में बन रहा है, हमारी इतनी बड़ी शख्सियत, हमारे महाराजा जिन्होंने एक्सेशन किया था जम्मू कश्मीर को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ, भारत सरकार के साथ, तो ये जो एयरपोर्ट है ये महाराजा जी के नाम का बनना चाहिए, महाराजा हरि सिंह एयरपोर्ट बनना चाहिए। इसके लिए भी हम जो है अपनी डिमांड जो है उसको आगे चलाएंगे कि जितने इश्यूज़ हमने रेज किए हैं इन पर सीरियसली वर्कआउट करें, और जम्मू कश्मीर लोगों के हित के लिए काम करेगी। इसमें कोई राय दो राय नहीं है कि जम्मू और कश्मीर बुखारी साहब सबको साथ लेके चलना चाहते हैं, चाहे वो हिंदू है, मुसलमान है। इसी वजह से जम्मू में एक बहुत बड़ी पार्टी जो जम्मू कश्मीर का यूनिट है अपना यहाँ वो खड़ा किया गया है, जो मीडिया का शुक्र अदा करना चाहूँगा जिन्होंने अपना कीमती समय निकाल के। एक सवाल है जी, आपकी पार्टी अपनी पार्टी से लोग कांग्रेस की तरफ, कांग्रेस अपनी पार्टी में जा रहे हैं, क्या लग रहा है?
देखिए जो लोग जा रहे हैं हमारे पास एनरोल्ड मेंबर्स नहीं है वो। मैं बड़े अफसोस के साथ कहना चाहता हूँ कि पेपर ने एक न्यूज़ कैरी की थी कि 11 या 12 जो है अपनी पार्टी के लोग जो हैं वो रिज़ाइन दे के वहाँ चले गए, लेकिन हमारे रिकॉर्ड के मुताबिक उनका नाम हमारी लिस्ट में कहीं भी एग्जिस्ट नहीं करता। ये जो है ये फॉल्स न्यूज़ है, वो लोग हमारे नहीं हैं, उन्होंने अपने आप को ये प्रोपोगेट किया है कि नहीं जी हम नहीं जा रहे हैं। दिग्गज नेता हमारी पार्टी से अभी तक नहीं कोई गए, और मुझे ये पूरी श्योरिटी है और मैं इस मंच पर बैठ के ये दावा कर सकता हूँ हमारी पार्टी से कोई नहीं जाएगा। For more updates, do subscribe our YouTube channel and don't forget to hit the bell notification icon. And if you are watching this video on Facebook, do follow our Facebook page.